मुकीम सिद्दीकी शूटिंग एकेडमी में निशानेबाजी के क्षेत्र में युवा बना रहे अपना भविष्य। निशानेबाजी के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने वाले युवा व बच्चे जिले के एकमात्र मुकीम सिद्दीकी शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर जिले स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग करने के साथ ही प्रदेश व देश स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार बने मुकीम सिद्दीकी शूटिंग एकेडमी से दर्जन ऑन युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुके हैं। वर्तमान समय में यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं का केवल एक ही लक्ष्य है, आगामी ओलंपिक में भारत के लिए पदक लाना, जिसको लेकर खुद एकेडमी के प्रशिक्षक व राष्ट्रीय स्तर के शूटर मुकीम सिद्दीकी इन युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। चला लीजिए और फिर दो कार्ड का मैच करिए, ठीक है? दो कार्ड का मैच आप होते हम भी करेंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रशिक्षक मुकीम सिद्दीकी की व युवाओं ने बताया। कैसी एकेडमी और किस तरह की ट्रेनिंग है दी जाती है? देखिए, ये 10 मीटर एयर पिस्टल और एयर राइफल की शूटिंग एकेडमी है। यहाँ पे 10 मीटर के शूटर्स प्रैक्टिस करते हैं। शूटिंग का ये सबसे सस्ता गेम है, 10 मीटर एयर राइफल और एयर पिस्टल। बाकी इवेंट में आप जाएंगे, इसमें 0.177 पैलेट्स यूज़ होते हैं, एक नंबर के जो छर्रे यूज़ होते हैं। वो आप चाहे प्री स्टेट हो, स्टेट हो, नेशनल हो, प्री नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सारे इवेंट में वही 0.177 के छर्रे यूज़ होते हैं। उसके अलावा जब आप जाएंगे 0.22, 0.32 में, तो वो थोड़ा कॉस्टली गेम है। पर सबसे बेस यही है, जो 10 मीटर का गेम ये है। 10 मीटर में जिसने अच्छा किया वो सारे इवेंट अच्छा करेगा। अभी तक कितने बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे? देखिए, मैंने खुद भी 6 नेशनल खेल चुका, मैं एक इंटरनेशनल खेल के आया था, जर्मनी गया था खेलने। उसके अलावा 28 से ज़्यादा मेडल अलग अलग चैंपियनशिप में ले आया। और इस टाइम मेरे 7 स्टूडेंट नेशनल में रिनाउंड शूटर हो गए हैं और 2 स्टूडेंट इंटरनेशनल ट्रायल दे रहे हैं। उसके अलावा 2 साल से एडीजी अखिल सर ने 22 में 23 में जिम्मेदारी दी थी जोन पुलिस की शूटिंग टीम की ट्रेनिंग की, तो उसमें 9 मेडल हमारे 2022 में आए थे। और चल वैजयंती ट्रॉफी आई थी कार्बाइन में। उसके बाद 2023 में फिर जिम्मेदारी मिली तो 28 मेडल हमारा पुलिस डिपार्टमेंट गोरखपुर मंडल जोन पुलिस लेके आई। सबने बहुत मेहनत की थी, उसमें से 14 मेडल मेरे वेपन से आया था, एयर राइफल एयर पिस्टल से। सबने बहुत मेहनत की थी, उसमें से हमारे शूटर्स 5 लोग ऑल इंडिया पुलिस गेम के लिए भी सिलेक्ट हुए। वो भी अब इलेक्शन के बाद मैच होगा तो वो जाएंगे। उसमें से यहाँ मौजूद भी हैं रितेश जी, ये भी स्टेट का पुलिस का गोल्ड मेडल लेके आए और ऑल इंडिया के लिए भी सिलेक्ट हैं। अच्छा, अपने एकेडमी के साथ साथ पुलिस विभाग की भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी, जिम्मेदारी दी थी अखिल सर ने, जिम्मेदारी दी थी, 2 साल लगातार जिम्मेदारी मिली तो एक अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने दिया। सबने कंबाइंड मेहनत की, डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सारे शूटर्स ने बहुत मेहनत की, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ऐतिहासिक रिजल्ट आया। 28 मेडल आया 2023 में, 28 मेडल आया 2022 में, 9 मेडल आया था और एक चल वैजयंती ट्रॉफी आई थी। तो बहुत अच्छे, पूरे मंडल पुलिस के हमारे बहुत अच्छे अच्छे शूटर्स हैं इस टाइम, जो आगे चल के देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और इंडिविजुअल तो है ही है, इंडिविजुअल ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो इसमें सब सब नेशनल प्लेयर्स हैं। नाम बताइए। मुकीम सिद्दीकी। अच्छा,
मैं शूटिंग सीखती हूँ मुकीम शेदी की शूटिंग एकेडमी में। किस तरह का गेम और किस ट्रेनिंग की जाती है? गेम ये पेशेंस और डिसिप्लिन का है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। कब से कर रही है? ऑलमोस्ट 3 साल हो गया। कितना मेडल आ चुके हैं? मेडल 4 आए थे, गोल्ड। अभी कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं? 2 नेशनल खेले हैं और इंटरनेशनल ट्रायल्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। कितना सपोर्ट है परिवार का? परिवार का पूरा सपोर्ट है। क्या लगता है आगे? आगे लाना है ओलंपिक में मेडल, गोल्ड। क्या नाम है? भूमि सिंह।